Hey, what's up guys, welcome to my YouTube channel Technical Essential, and today I am going to show you how you can use a clone app in a single phone with multiple accounts. So let's start it. आज मैं आपको बताऊंगा आप एक ही फोन में मल्टीपल अकाउंट कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास फेसबुक है और उसमें आपके दो अकाउंट है, सो आप सबसे पहले लॉग इन करते हैं, फिर लॉग आउट करते हैं, फिर लॉग इन करते हैं, फिर लॉग आउट करते हैं। सो इससे अच्छा अगर आप इसका डबल ऐप बना पाए जिसमें एक अकाउंट इसमें हो एक अकाउंट इसमें हो, सो उसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में चले जाइए। वहाँ पे जाके पैरेलल स्पेस देख सकते हैं, इस पे क्लिक कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद उसे इंस्टॉल कीजिए। फिर ओपन कीजिए, उसके बाद ये स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको कौन से ऐप को क्लोन करना है, मतलब डबल करना है। सो आप वो ऐप पे क्लिक कर लीजिए जिसको आपको, सपोज मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ईमो, हाइक, ये सब ऐप को मैंने ऐड टू पैरेलल स्पेस पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सब पैरेलल ऐप बन चुके हैं। अगर आपको इसका एक शॉर्टकट क्रिएट करना है अपने नेक्स्ट अपने होम स्क्रीन पे, तो आप इसको पकड़ के आप यहाँ पे ड्रैग कर लीजिए, क्रिएट शॉर्टकट, इसको कर लीजिए। ऐसे करके आपको जिस जिसका पैरेलल चाहिए आप उसका पैरेलल ऐप क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप में, सॉरी होम स्क्रीन में। उसके बाद आप होम में जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमो, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, हाइक, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जो कि ऑलरेडी मेरे फोन में है उसका डबल ऐप क्रिएट हो चुका है। सो आप सपोज व्हाट्सएप आपके पास दो सिम कार्ड है, एक सिम कार्ड में आपका चालू है, सो आप ये ऐप पे क्लिक कीजिए जो इसका डुप्लीकेट क्रिएट हुआ है। उसके बाद आप अपना न्यू नंबर डाल के इसे चालू कर सकते हैं। और आपका एक फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी है, आपको दूसरा क्रिएट करना है या दूसरा को आपको इस ऐप में रखना है, सो आप इस पे क्लिक कीजिए और इस पे आप साइन इन करके ये ऐप में सेव कर सकते हैं। उसका जब भी आप ये ऐप ओपन करेंगे सो वो ऑटोमेटिक आपका दूसरा अकाउंट आ जाएगा। और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं। हाइक पे भी आप अपना कोई भी नंबर डाल के आप दूसरा हाइक चला सकते हैं, देख सकते हैं। सो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।